जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? ओके ओके ओके, डन 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 डन, ओके। बात ये जी बेटा, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस इनिशियल क्लास ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। माय नेम इज अलाउद्दीन एंड आई एम योर टीचर फॉर दिस क्लास। आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली लास्ट 22-23 ईयर्स। जी बिनिश, क्लास स्टार्ट हो गई है। बिनिश, कैन यू हियर अस? बेटा अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, शुरू का पहला दिन है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए जी बेटा, तो बेटा अभी मैंने स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं किया, अब आपको आवाज आ रही है? बिनिश, कैन यू हियर मी? बिनिश जवाब दें बेटा, यस नो? अच्छा बेटा सॉरी, मैंने वॉइस बंद की हुई थी। जी बिनिश, अब आपको आवाज आ रही है? चलें अच्छी बात है जी। मैंने बेटा स्क्रीन ऑन नहीं की, कुछ दिखा नहीं रहा आपको स्क्रीन पे, ठीक है जी। चलें थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, अब वो बेटी ने कहा है तो मैं आई स्टार्ट विद माय वेब कैम अपियरेंस। चलें देखते हैं फिर, इफ यू कैन सी मी। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू पीपल सी मी बेटा? चलें ठीक है जी, ठीक है जी। मैं अब इसको बंद कर देता हूं क्योंकि उससे वॉइस क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है। अच्छा जी, सो आई वाज जस्ट गिविंग माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक दो तो मुझे नजर आ रहे हैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिले सुबहानी, शायद पिछले सेशन से हैं। क्यों जिले सुबानी? आप लास्ट सेशन वाले जिले सुबानी है ना? अच्छा चलो ठीक है, बाकी लोग नए हैं। ये जो वेटिंग फॉर नेम वाला दोस्त है, ये भी अपना अगर नाम लिख ले तो आई लाइक टू कॉल पीपल बाय नेम। मोहम्मद सईद, सईद आप अपना नाम ऑप्शंस में जाके ठीक करें, वो आप बाद में कर लीजिएगा, वो आपको भी समझा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप वाले। अच्छा जी, मुझे आप जनाब, मेरा थोड़ा सा तारुफ हो गया। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 22-23 ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है, जैसा भी है। सो आई वुड लाइक टू शेयर योर इंफॉर्मेशन। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन योर नेम, योर सिटी फ्रॉम विच यू आर अटेंडिंग क्लासेस, पेपर लास्ट अटेम्प्टेड एंड पेपर प्लानिंग टू अटेम्प्ट इन दिस अटेम्प्ट, प्लानिंग फॉर दिस अटेम्प्ट। तो एक ही दफा चैट बॉक्स में आप में से हर कोई अपने लिए ये चार इंफॉर्मेशन टाइप कर दे, सो दैट आई कैन इजीली कम्युनिकेट विद यू पीपल।
और एक और सवाल का आप लोगों ने मुझे जवाब देना है कि क्या आपने सीमैक पहले पढ़ा है? ओके, सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज हियर, फर्स्ट स्टूडेंट हु हैज इंट्रोड्यूस हरसेल्फ इज बीनिश जिया. ओके बीनिश जी, मैं जरा अब बाकी सब लोगों से भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अब मैं थोड़ा अब स्लो चलूंगा क्योंकि मुझे सबका नाम पढ़ना है और शेयर करना है. सो बीनिश जिया फ्रॉम नौशेरा, एंड आपने लास्ट टाइम दिया है बेटी, इफ आई करेक्टली अंडरस्टैंड, ऑडिट कैफ 9 एंड एफआर 2, और आप इस वक्त एग्जाम अटेम्प्ट कर रही हैं सीमैक का, बी लॉ का और एफएआर 1 का, और आपने पहले सीमैक नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रही है. ओके, आफ्टर बिनिश उज्मा ने अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया प्रॉपर, उज्मा प्रॉपर इंट्रोड्यूस करें. जी सुरैया अहमद, सेकेंड स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ इज सुरैया अहमद, एंड सुरैया इज फ्रॉम इस्लामाबाद एंड शी हैज अपियर अर्लियर इन FIR 1 एंड शी इज प्लानिंग टू अपियर इन सीमा बी लॉ एंड टैक्स एंड शी हैज ऑल्सो नॉट studied it before. Okay. Zile Subhani, next person is Zile Subhani. Zile Subhani is from Sialkot, if I correctly remember. And he has appeared in paper of FAR 2 and TAT. And in coming attempt, he has been aiming for cost and audit. और मैं जिले सुबानी ने शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं पड़ा था. बेटा एक सेकंड के लिए मैं वॉइस बंद कर रहा हूं, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है. अच्छा जी बेटा, हम बात कर रहे थे जिले सुबहानी की. जिले सुबहानी के बाद द नेक्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इज उज्मा खान. उज्मा अपने बेटे आपने मेरे सारे सवालों का जवाब देना है. एंड द नेक्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इज आसिफ खान, एंड आसिफ इज फ्रॉम मर्दान एंड ही हैज अटेम्प्टेड BM, FAR 2 and TAC, and planning to attempt cost, audit and B law. And आसिफ आपने पहले क्लासेस पढ़ी हैं सीमैक की? अच्छा जी, पहले नहीं पढ़ी. आसिफ के बाद the next person who has introduced him or her is Waleed. Okay. Next is Waleed Hanif. Waleed Hanif is from Faisalabad. And Waleed has attempted TACS, FAR 2, ECO,
वलीद आपकी एक्सप्लेनेशन इनप्रॉपर है, दोबारा बताएं। अलग-अलग सवाल जिनका जवाब नहीं कि आपने कौन कौन सा पेपर लास्ट अटेम्प्ट किया है और कौन कौन सा इस दफा पढ़ना चाह रहे हैं, ये दो सवाल आपका जवाब कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट इज तलहा अहमद। तलहा अहमद इज फ्रॉम फैसलाबाद एंड इट अपीयर्स दैट ही हैज अ इन इंट्रो एफ ए आर वन एंड इको, सो इंट्रो टू अकाउंटिंग एफ ए आर वन एंड इको एंड अपीयर्स दैट ही विल बी अटेम्प्टिंग कॉस्ट एफ ए आर टू एंड ऑडिट, और इन्होंने पहले नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तलहा के बाद है अनम। अनम है सियालकोट से और अनम ने पेपर दिए हैं, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, इफ आई कैन करेक्टली सी इट, शी हैज गिवन एफ ए आर वन, बी लॉ, इको एंड इंट्रो टू अकाउंटिंग एंड इन दिस अटेम्प्ट शी इज अपेयरिंग फॉर एफ ए आर टू, कॉस्ट, ऑडिट एंड बी एम बी एस। टेक्स्ट रह गया सिर्फ अनम आपका और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं। चलिए, तलहा नवीद। तलहा नवीद फैसलाबाद से हैं और उन्होंने कॉस्ट और एफ ए आर टू फर्स्ट टाइम पढ़ना है। ओके, सईद साहब। सईद साहब आपने पूरा तारुफ नहीं करवाया अपना, उसमें आप कौन से स्टेशन से हैं? चले सईद का मैं जहां तकलीफ से चल रहा हूं, सईद ने सी मैक पहले नहीं पढ़ा और सईद का बाकी तारुफ देख लेते हैं। बेटा एक सेकंड के लिए मैं वॉइस बंद कर रहा हूं, कुछ बुक और इंस्टॉल। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा बाकी सब लोगों की इंफॉर्मेशन तो पूरी है, सिर्फ उज्मा के बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उज्मा बेटी आपने कौन कौन सा पेपर लास्ट टाइम दिया था और अब आप इस दफा कौन कौन सा पेपर देना चाह रही हैं? आप अलग अलग जवाब दीजिए। उज्मा आप हमारे साथ क्लास में हैं तो यस लिख दें पहले। जी बेटा आपने कौन कौन सा पेपर इस दफा दिया उज्मा? सॉरी आपका मैं आंसर ट्रैक नहीं कर पाया। लास्ट टाइम आपने कोई पेपर दिया बेटी?
अच्छा इस दफा कौन सा देना है आपने मेरी बेटी ने? कौन कौन से पेपर अब इस दफा एक्सपायर कर रही है उसमें देने के लिए? एफ कॉस्ट एंड एफ फेयर टू। ठीक है जी, चलेंगे आप। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आप सब दोस्तों का, आपस में भी और मेरे साथ भी। एज ऑलवेज वी वुड बी कुलीग नाउ अटेंडिंग दीज क्लासेस रेगुलरली ऑनलाइन। ऑनलाइन जिंदगी में कौन कौन फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ रहा है वो मी लिखे। सैया, तलहा, वलीद, उज्मा, बीनेश, जिसको बाकी लोगों ने ऑनलाइन पहले पढ़ा है। आसिफ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। चलें, ऑनलाइन क्लासेस का ना फिर मिजाज समझना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन क्लासेस में वैसे तो हम चाहें तो मैं, जैसे मैंने पहले ऑन किया था और जस्ट फॉर से कभी ऑन कर दूं 1 मिनट के लिए, तो हम चाहें तो आपको इस तरह से मेरा चेहरा भी नजर आ सकता है और बोर्ड भी नजर आ सकता है। लेकिन व्हाट विल हैपन इज बिकॉज स्पीड स्लो हो जाएगी नेट की, सो मैं अपनी तस्वीर तो बस एक दफा दिखा दी है, वो देखना को खास जरूरी नहीं है। ठीक है जी, और आप लोगों की भी मैं वॉइस के साथ ही रिकग्निशन करूंगा। आप सबके जो माइक्स हैं वो मैंने बंद किए हुए हैं, इस तक मेरे पास जो कंट्रोल है, जो जो आपके स्क्रीन पे राइट साइड पे चैट बॉक्स चल रहा है जहां मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, जब भी आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना होगा आप इस जगह क्यू लिख देंगे। ठीक है, उससे मुझे इंडिकेशन ही हो जाएगी कि मुझे रुकना है। आप क्यू लिख दें और एंटर प्रेस कर दें तो जब किसी की तरफ से क्यू लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब है उसने मुझसे कुछ पूछना है। चूंकि एग्जाम प्रैक्टिकल उसमें वह फेस टू फेस क्लासेस में तो मुझे शक्ल नजर आ रही होती है ना, तो मुझे बेस्ड ऑन माय पार्टली ग्रे हेयर मुझे आसिफ की शक्ल देख के समझ आ जाएगा कि आसिफ को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उजमा को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। लेकिन इस वक्त चूंकि आप बच्चे मेरे सामने नहीं बैठे हुए तो इसलिए अब आपको खुद रेज करनी है वॉइस, तो आप लोग क्यों लिखेंगे? जब आप क्यों लिखेंगे तो इसका मतलब आप कुछ क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, मैं उस तक आगे पढ़ाना बंद कर दूंगा। सिमिलरली मेरी क्लास में सबने अपने हाथ कीबोर्ड पे रखने हैं। आई वुड लव लव ऑल ऑफ यू टू बी वेरी इंटरैक्टिव। हमने अपनी उस फिजिकल नॉन विजुअल क्लास को विजुअल बनाना है, और वो आपकी पार्टिसिपेशन के साथ हो सकता है। जब मैं सवाल पूछूं तो आप सब जवाब दें, आई डोंट माइंड। सिमिलरली बेटा, अगर आप लोगों को सवाल करते हुए किसी को लगता है कि नहीं अब टाइप करना, इतनी बड़ी बात टाइप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप सिंपली चैट बॉक्स में माइक लिख दें तो मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। जैसे सैंपल के तौर पे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह रहा हूं, अनंत ने मुझसे कुछ पूछना है। अनंत आपका माइक चल रहा है, मैं अनंत का माइक ऑन कर रहा हूं। जी अस्सलाम वालेकुम अनंत, आपको आवाज आ रही है बेटा? आप इस बेटा किसका माइक वर्किंग है वो मुझे इंडिकेट कर दे ताकि मैं उसका माइक ऑन कर दूं, ताकि एग्जाम्पल के तौर पे क्लास को बात होते चल जाए। चलिए बिनिश का ऑन करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम बिनिश, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा ओके। जी बिनिश क्या हाल है बेटे आपका? ठीक है। कैसे मैं ठीक हूँ? अच्छा बेटी, व्हाई डिडंट यू प्रेफर टू गो टू आवर पेशावर कैंपस फिजिकली फॉर अटेंडिंग क्लासेस? एक्चुअली सर वहाँ पे हॉस्टल्स का थोड़ा मसला है तो इसलिए मैं इस दफा ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। अच्छा, मैंने जैसे ये गुफ्तगू आपसे इसलिए की है कि ताकि बाकी लोग सुनिए, इसी तरह मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तो वो भी आपका टेस्ट नहीं ले रहा, जस्ट लोगों को ट्राई देने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आपने पहले क्या किया था विनेश? आपने सीए स्टार्ट करने से पहले क्या किया था? FSC FSC की थी तो डेबिट क्रेडिट के साथ दोस्ती हो गई फिर सीए में आके? बिल्कुल जी, ऐसे हो गई है। हो गई है, चलें ठीक है, थैंक यू। सो इधर मैं जैसे आप लोगों को ट्रायल दे रहा था, जैसे मैं और बेनिश गुफ्तगू कर रहे थे तो चूंकि भी कुछ पढ़ाया नहीं हुआ तो इसलिए मैं ऐसे ही इधर उधर की बातें बेनिश से कर रहा था। ठीक है जी, जी सही से भी कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सईद, अस्सलाम वालेकुम सईद। अस्सलाम वालेकुम सर, जी सईद क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, ठीक क्या हाल ठाक है सर? सईद? ठीक,
ठाक है। आपको लगता है शुक्र अल्लाह का अकाउंटिंग सर। के तीनों पेपर पास हो गए हैं? नहीं सर, FR2 के दिए हुए। FA2 दिया हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है। तो कौन सी बुक से प्रिपरेशन की थी? सही, सर मैंने ऑनलाइन क्लास ही ली थी। ऑनलाइन क्लास ली थी। चलो ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं जैसे इंडिकेट कर रहा था कि जहां पे आपको लगे कि आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, वरना आम हालात में मैं आप सबके माइक ऑफ रखूंगा ताकि आप मेरी बात सुन सकें। और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन टाइप करना होगा आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जैसे अभी आप सब लोग टाइप कर रहे हैं, और फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अच्छा जी, ये क्लासेस पढ़ते हुए आपके पास डेली क्या चीजें होनी चाहिए? व्हाट इज द डेली? स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये स्क्रीन और रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप सबको अपने सिस्टम्स में रिकॉर्डिंग का भी नजर आ रहा होगा आईकॉन कि चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो जब आप लोगों को लगे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइम पे बात हो मेरे से या किसी भी टीचर से मिसिंग हो जाती है, हम रिकॉर्डिंग का प्रेस नहीं करते, जैसे मैं 1 सेकंड के रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने लगा हूं, तो आप देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे क्या चेंज। रिकॉर्डिंग को डन डन लिखें, जो जो चीज को नजर आ रहा है कि रिकॉर्डिंग रिस्टार्ट हो गई है। ठीक, अब आप लोगों ने मुझ पे भी वॉच रखना है, मैं भी या कोई भी टीचर भी हो सकता है किसी वक्त रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करना भूल जाए, तो उससे फिर आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जहां पे कुछ अपेरेंट ड्रॉबैक्स है जिसको हम अपनी स्किल से पूरा कर लेंगे, वहां एडवांटेज भी है बेटा। एडवांटेज यह है कि सारा लेक्चर आपके पास बाद में अवेलेबल होगा, आपको लेक्चर के दरमियान कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी पेंसिल आप लोग जरूर पास रखेंगे लेकिन लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो रिकॉर्डिंग में आप सबके पास अवेलेबल है। और बल्कि रिकॉर्डिंग में जो फिजिकल क्लास में एक बैरियर होता है कि बच्चे जब बात सुन रहे होते हैं तो साथ साथ नोट कर रहे होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो जाता है। तो अगर आपके पास आप फोकस करें सिर्फ समझने पे तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं होगा। व्हाट डेली यू शुड बी हैविंग विद यू? अजी बेटा, वो आपके पास मूडल के अकाउंट में कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल हुआ करेगी, डाउनलोडेबल शेप में अवेलेबल नहीं हुआ करेगी। ये निगत ने जो यहां पे निगत का नाम लिया है इसने, सईद ने, वो निगत कोऑर्डिनेटर है इस ऑनलाइन के क्लासेस की, तो डाउनलोडेबल नहीं होंगे आप, लेकिन बाद में देख सकते हैं विद इन अ वीक, 1 हफ्ते तक देख सकते हैं। चले, मेरी तरफ से आपके पास डेली क्या होना चाहिए? मेरी तरफ से आपके पास डेली रजिस्टर एक होना चाहिए। आप अपने पास एक सीमैक का रजिस्टर बनाएं और उसके अंदर सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली नोट किया करें, जो जो सवाल मैं करवाऊं वो नोट किया करें। ये रजिस्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो आपको ऐसा ऐसा समझ में आएगी। आप सबके पास अपना अपना कैलकुलेटर होना चाहिए, एंड बाय द वे मोबाइल इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू कैलकुलेटर। आई विश कि आप सब लोग मोबाइल को ऑफ करके ऑनलाइन क्लास में बैठे, ये ना हो कि चूंकि फिजिकली आप लोग मेरे सामने नहीं है, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और ऐसी मजाक से कर रहा हूं, बिनिशी अपनी सहेली को मौसम का हाल पूछ रही हो, ठीक है जी, आप सिर्फ अपने दोस्त को शेर लिख के भेज रहा हो या उसके व्हाट्सएप देख रहा हो या उसके फेसबुक देख रहा हो लीड, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होगा। हाँ सही, आई कैप जो कैलकुलेटर अलाउ करता है एग्जाम में, सिंपल कैलकुलेटर वो होना चाहिए। आई वुड लव कि आप सबकी फिंगर टिप्स कैलकुलेटर के साथ दोस्ती हो जाए, एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर आपको डिच ना करे। द नेक्स्ट थिंग विच ऑल ऑफ यू शुड बी हैविंग इज आई कैप स्टडी टेक्स्ट। ये जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है ये आपके पास होनी चाहिए। ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट आप सॉफ्ट में भी हो सकती है आपके पास, अगर आप में से कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है या टैब है तो वो सॉफ्ट में भी रख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर इन हार्ड। आई कैप से जो हार्ड शेप में मिलती है वो आपके पास हो, हार्ड कॉपी हो जी। आज तक ये 2015 वाला एडिशन ही है, अभी इसका एक मेमोरेंडम आ रहा है, एक एडिशनल सप्लीमेंट आ रहा है, वो सप्लीमेंट में भी आना है। तो चलिए, आसिफ ने सवाल पूछ लिया तो मैं जस्ट बता देता हूं कि जब वो आई कैप का सप्लीमेंट आ जाएगा तो वो फिर आई कैप का सप्लीमेंट भी आपके पास, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का सप्लीमेंट भी होना चाहिए। आई कैप ने इस अटेम्प्ट में सी में लाइक फ्यू अदर चैप्टर, फ्यू अदर टॉपिक, फ्यू अदर सब्जेक्ट, आई कैप ने सी मैक के स्टडी
स्टडीज टेक्स्ट में भी चेंज किया है, तो वो उसके लिए सप्लीमेंट इश्यू करेंगे, जब इश्यू हो जाएगा तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में क्या क्या होता है? आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में थ्योरी होती है, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स होती हैं, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो एट टाइम्स वो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में करवाना चाहूंगा, सो ऑल ऑफ यू शुड बी हैविंग दोस स्टडी टेक्स्ट विद यू। देन ऑल ऑफ यू शुड बी हैविंग आईकैप हैंडबुक विद यू, क्वेश्चन बैंक विद यू। ये आप सबके पास हार्ड में होना चाहिए, ऑल दो ये भी आईकैप की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बट इट वॉन्ट सर्व द पर्पज। मेरा पेपर जो है वो लंबा पेपर है बेटे, अगर आप इसको सॉफ्ट में अपने सेलफोन पे या टैब में देखेंगे तो आप तो उस टैब को ऊपर नीचे करते रह जाएंगे, सवाल पूरा पढ़ नहीं सकेंगे, इंजॉय नहीं कर सकेंगे। आई एम यूजिंग डेलिबरेटली द वर्ड इंजॉय, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू इंजॉय योर स्टडी, सो कीप दैट आईकैप क्वेश्चन बैंक इन हार्ड शेप। And similarly, all of you should be having PAC. क्योंकि ICAP ने ये first time study text का सिलसिला introduce किया है, तो जाहिर है जो चीज first time आती है उसमें कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी कोताही रह जाती है, तो ICAP के study material में भी कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही है। उस कमी कोताही को हमने एक handbook बनाई है, PAC की handbook, और इस हैंडबुक का थर्ड एडिशन, ये आप सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए पैक की हैंडबुक। आई नो स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम पेश आएगी, वो कौन नुशरा में कौन बैठी हुई है बेटी हमारी, उसको प्रॉब्लम पेश आएगी और लोगों को प्रॉब्लम पेश आएगी, लेकिन ये आप लोगों ने सोर्स करनी है, ठीक है विनिश, ये बुक आपने लेनी है। अब ये बुक कहां से मिल सकती है? ये बुक आपको पैक के कैंपस विनिश को पैक पिशावर से मिल सकती है? नहीं बेटा, हमने थर्ड लेना है विनिश, सेकंड एडिशन से हमारा गुजारा नहीं होगा। हर एडिशन में बेटी कोई ना कोई नई बातें होती हैं, तो हम सब ने इसका थर्ड एडिशन लेना है। किसी के पास है क्लास में थर्ड एडिशन पैक की हैंडबुक का? अच्छा चलें, आप सब ने इसको सोर्स करना है, ठीक है जी। अब किसी को सोर्सिंग में प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दें। सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप पैक लाहौर, अगर आपका कोई जानने वाला है तो किसी को पैक लाहौर भेज दें और वो पैक लाहौर से लेके आपको पहुंचा दे। अगर आप चाहेंगे तो हम भी आपको पहुंचा सकते हैं, पैक लाहौर का पब्लिकेशंस विंग, वो भी आपको नहीं बेटा नेक्स्ट मंथ तो नहीं सही, मैं तो आप लोगों को ज्यादा ज्यादा दो तीन दिन अलाउ करूंगा ये किताब लेने के लिए। तो आप सब लोग अगर चाहें तो पैक का पब्लिकेशंस विंग है, उस पब्लिकेशंस विंग के हमारे जो दोस्त है वहां पे, उसका नाम है वलीद या जाजिब, जाजिब साहब से आप, मैं जाजिब का नाम और नंबर यहां चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूं। अच्छा चले सईद, आप अपने किसी दोस्त से फिर बात कर लेना, या शुरू में मैं कुछ चैप्टर्स जो है ना वो सॉफ्ट में शेयर कर लूंगा, लेकिन मैं सारे चैप्टर्स नहीं शेयर कर सकूंगा, कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम है। तो आप सही, ये जो आपने मुझे लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, पहले भी होता रहा है, आप जाजिब अब्बास साहब से इंडिविजुअली रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे, ही विल हैंडल दिस फ्रॉम यू, और यू कैन गेट इट एज यू मेंशन इट फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में गुड बुक शॉप के पास ये अवेलेबल है। सो जाजिब का नंबर है 03136084408। सो जाजिब अब्बास, इनसे आप लोग रापता कर लें एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन कॉल के जरिए, तो ये आपको ये बुक सोर्स कर देंगे। यहां तक किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो क्यों लिखे, हम आपस में कम्युनिकेट करने का एक और मीडियम यूज करेंगे, और जो एक और मीडियम हम यूज करेंगे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप सब लोग जिले सुबानी वो निगत या सईद निगत को याद करा देना कि ये सीमैक का व्हाट्सएप ग्रुप बना दें,
तो हम सीमेंट की इस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, तो वो फिर आपको हेल्प मिल जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, सो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू नो के आरकैप के स्टडी टेक्स्ट के लेवल्स हैं? बीनिश, आसिफ, कौन कौन से लेवल हैं? बीनिश और आसिफ कितने लेवल हैं? आईकैप अपनी स्टडी टेक्स्ट को तीन लेवल में बांटता है, वन, टू और थ्री। वन, लेवल वन इज बेसिक थ्योरी, बेसिक इंट्रो, बेसिक्स, बेसिक नॉलेज। लेवल टू इज बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज एंड लेवल थ्री इज हाई लेवल एप्लीकेशन, हाई एप्लीकेशन। हमारे लिए खुशी की अच्छी या बुरी बात यह है कि जहां तक लेवल थ्री का सवाल है, लेवल थ्री सिर्फ सी फैप में टेस्ट किया जाएगा। हमारे जो सी मैथ कैफ का लेवल है, कैफ के लेवल पे ज्यादातर चैप्टर्स जो हैं आईकैफ के वो लेवल टू पे हैं। सिर्फ दो चैप्टर्स इस वक्त ऐसे रह गए हैं जो आईकैफ ने लेवल वन पे रखे हैं, एक है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आईकैफ ने लेवल वन पे रखे हैं। इसके अलावा नई स्कीम के मुताबिक, पहले वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक भी हुआ करता था, लेकिन नई स्कीम ऑफ थिंग्स के मुताबिक अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक भी लेवल टू का टॉपिक बन गया है। अच्छा जी, इस पेपर के बारे में आप लोगों ने क्या सुना है? आसान पेपर है, सो के उठ के जाएगा, तला और पेपर दे आएगा, को पढ़ने की तो खास जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं जी, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और क्या क्या सुना है? मैं आप सबके मुंह से सुनना चाहता हूं, जिले सुबानी के अलावा। व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट दिस पेपर? सोइया कह रही है इजी है, तला कह रहे हैं प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, सही कह रहे हैं प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, लेंथी है, टाइम इश्यूज आ जाते हैं, नॉट वेरी हार्ड, आसिफ कह रहे हैं ठीक है। इस पेपर में बेटा दिस इज अ डिफिकल्ट पेपर आई वुड से, ठीक है, आई एम बीइंग प्रिंसिपल, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड बट मैनेजेबल। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनका हम पहले ख्याल रख लें तो हमें ये पेपर आसान लगेगा। ये पेपर, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम द पेपर इज लेंथी, करिकुलम की लेंथ बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि टाइम टेबल में मेरी क्लास 6 डेज अ वीक है, बल्कि आगे जाके हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ संडेज भी ऑन करूं। सो 6 डेज अ वीक क्लास, लेंथी टॉपिक बहुत ज्यादा है। दूसरा जो बेटा जो इसमें प्रॉब्लम है वो है एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। आपको आईकैप ने कितने मुश्किल लेवल पे जाके इस क्वेश्चन को टेस्ट करना है, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। सो एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ज्यादा है। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। जो हमारी नॉलेज है ना, उसका एक वर्टिकल प्रोग्रेशन है। सारी जितनी सीएम है, सारी नॉलेज की बेस लाइन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम आते हैं बीएफडी, बिजनेस फाइनेंस डिसिप्लिन। अगर हम पिछली मॉडल स्कीम का मसला करें तो आईकैप पहले मॉड्यूल स्कीम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता था मॉड्यूल बी, सी और ई में, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता था मॉड्यूल डी में, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बीएफडी पढ़ाता था मॉड्यूल एफ में। अब आईकैप ने स्कीम ऑफ थिंग्स चेंज कर दिया। अब आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तीन पेपर हैं कैफ के लेवल पे और एक पेपर है सीफैप के लेवल पे। और कैफ के लेवल पे जो पेपर है उसका नाम रख दिया है
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देयर लाइज द प्रॉब्लम। और जो सीसैट के लेवल पे पेपर है, नाम तो उसका बीएफडी है लेकिन उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी सर्टन पोर्शन रखती है सीसैट के लेवल पे। ये वो पॉइंट है जिसकी तरफ मैं रेज कर रहा हूं आपकी कंसर्न। एक ऐसा टॉपिक जो पहले सीए फाइनल में था, आईकैप ने अब वो कैप लेवल पे साथ लिंक कर दिया है। इस तरह से बेटा कभी कभी सवाल ज्यादा मुश्किल आ जाते हैं, तो हमने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम क्लास अगर आप लोग मेरे साथ साथ अटेंड करेंगे, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं आपको इन राइटिंग दे सकता हूं कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे। लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी, और ये मेरे साथ ही नहीं तमाम टीचर्स के साथ है। आपने तमाम टीचर्स की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। वो टीचर्स वो हैं जो बिला मुबालगा बास टीचर्स, तो उसमें से हजारों स्टूडेंट्स और मेरे जैसा बूढ़ा आदमी लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका है। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा, ऐसे जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं तो एक एक्टर हूं, मैं तो ये ड्रामा दिन में चार दफा खेलता हूं। अभी मैं चार सेक्शन पढ़ा रहा हूं सी मैक के, तो मैंने तो ये एक्टिंग चार दफा करनी है, तो मुझे तो एक एक डायलॉग याद है। आपने मेरे डायलॉग ध्यान से सुनने हैं, आपने उनसे सबक हासिल करना है, ठीक है। इस तरह आई एम वेरी ओपन टू डिस्कशन। आप में से जिसको समझ ना आए वो बिल्कुल मुझे कहे कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, नो लिखें, क्वेश्चन मार्क लगाएं, सवाल पूछना हो, समझ ना आ रही हो, मुझे बिल्कुल आगे ना जाने दे, मेरी जान खा जाए, ठीक है जी। अगर मैं समझता हूंगा कि क्लास का बाद ओवर टाइम आया हो रहा है आपके साथ, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई ऐसे मिसाल दे रहा हूं उजमा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, जिले सुबानी में आपको इंडिविजुअली कॉल करूंगा, अभी क्लास में आगे चलते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आई वुड ट्राई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। माय पेपर रिक्वायर्स थॉट्स, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई वुड अर्ज यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स रादर देन क्रैमिंग दोज थिंग्स। ठीक है जी। पेपर उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में किसी ने कुछ पूछना हो तो क्यों लिख दे, नहीं पूछना तो नो लिखना है, क्योंकि सवालों का जवाब देना है सबने, खामोश नहीं बैठे रहना। अभी भी सिर्फ सईद ने क्यों लिखा है, नो किसी ने भी नहीं लिखा, इसका मतलब बाकी लोगों ने कुछ पूछना है। जी सईद, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। जी सही, विच पोर्शन आर इम्पोर्टेंट, ये चीजें साथ साथ होंगी ना, मैं ऐसे कोई समरी में तो नहीं बताऊंगा। हाँ जब साथ साथ चैप्टर्स चल रहे होंगे मैं बताऊंगा ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट होता है। इस तरह थ्योरी को भी बेटे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। थ्योरी के केस में भी मैं आपको इंडिकेट करूंगा यार इस चैप्टर में फलां चीज थ्योरी की याद रखने वाली है, रट्टा लगाने वाली है, क्रैम करने वाली है। और बाकी सारी चीजें बहुत सारी ऐसी मैं बताऊंगा क्लास में कि जो जिंदगी में एक दफा पढ़ लें तो काफी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी आसिफ, जी वेटेज दी हुई है स्टडी टेक्स्ट में, लेकिन आईकैप ने खुद कहा है वो इंडिकेटिव वेटेज है, आईकैप का उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। मैं भी आपके साथ वेटेज शेयर करता हूं, लेकिन ये वेटेज चेंज हो गई है आईकैप ने, क्योंकि वो चेंज किया ना कुछ सिलेबस में, कुछ चीजें बढ़ाई और कम की हैं, तो ये वेटेज चेंज हो गई है जी। मैंने पहले कहा बेनिश रिवाइज कर दी गई है बेटी, मैंने पहले कहा कि वेटेज रिवाइज कर दी गई है।
इस वक्त मेरे पास वो नई वेटेज नहीं है, कल अगर आप में से जिले सुबानी मुझे याद करा देना तो मैं कल नई वेटेज ले आऊंगा। फॉर ऑल ऑफ यू माई सेल नंबर इज 0321845920, 8405920। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप मेरे साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए बस उसी में कम्युनिकेट करें, कोशिश करें कि आप लोगों को इंडिविजुअल कॉल ना करनी पड़े। इवन जो आप लोगों ने सवाल पूछने हो वो भी मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेफर करूंगा। बार दफा फॉर एग्जाम्पल सुरैया का पूछा हुआ सवाल बाकी लोगों को भी हेल्प कर जाता है। जी एनी अदर इश्यूज? जी आसिफ, कोई और सवाल आपने पूछना, वरना मैं फिर बात को आगे बढ़ाऊं। ठीक है बेटा। अच्छा जी पॉइंट इज कि आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है तो मैं रेगुलरली पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं आप सबसे चाहता हूं कि आपका आज का होमवर्क ये है कि आप सब लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन सर्च करके आए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन सर्च करने के लिए आप सबको हेल्प लेने की इजाजत है, आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मुझे उस डेफिनेशन में दो फीचर्स चाहिए। नंबर वन, वो डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो, सारी बातों को कवर कर रही हो, बट एट द सेम टाइम वो प्रिसाइज हो, छोटा सा एक मिसरा हो और आपने दरिया को कूजे में बंद कर देना है। ठीक है? और इसके लिए आप सब लोग HR1 की किताब देखें, इंट्रो की किताब देखें, गूगल करें, जो मर्जी करें। सो कल जब आप सब लोग तशरीफ लाएं तो आप सबके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन होनी चाहिए जो शॉर्ट होगी लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होगी। ठीक है जी? सो ये आज एक जनरल डिस्कशन है, आप बुक भी कुछ सोर्स कर लें जिन्होंने करनी है, नहीं करनी, जो करना है तैयारी कर लें। कल से इंशाल्लाह हम अपनी रेगुलर क्लासेस का स्टार्ट करेंगे। तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। आई रिमेन फॉर 1-2 मिनट्स, किसी ने कुछ पूछना हो तो क्यू लिख दे, अदरवाइज आई अज्यूम कि आप सबने कुछ नहीं पूछना। यू मे फॉलो योर नेक्स्ट क्लास। सो अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। Thank you.